यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव की यूट्यूबर सागर ठाकुर के साथ कथित मारपीट की खबर के बाद एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी की आशंकाएं भी जताई जाने लगी हैं। इसी बीच हरियाणा पुलिस का बयान सामने आया है, जिसमें एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में पुलिस बता रही है। सर, यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है, इस मामले को लेकर पर्चा दर्ज हुआ है, किसने शिकायत दी थी? कल सेक्टर 53 हमारा पुलिस स्टेशन है, उसमें सागर ठाकुर नाम करके एक कंप्लेनेंट थे, जो कि यूट्यूबर भी है। उन्होंने एक रिटर्न कंप्लेंट दी थी कि उनके साथ एल्विश यादव द्वारा मारपीट की गई, तो उनके रिटर्न कंप्लेंट के ऊपर हमने जो है संबंधित धाराओं में पर्चा दर्ज किया। कितने लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया? 8 से 10 लोग। शिकायतकर्ता ने क्या बताया कि इसलिए उसके साथ मारपीट की गई है, बेवजह तो मारपीट क्यों करता है? जो उसकी कंप्लेंट में अभी तक है, उनका कुछ सोशल मीडिया पे ही आपस में कुछ था, जिसके कारण वो थोड़ा डिप्रेस था, उसकी कंप्लेंट में लिखा गया है सागर ठाकुर द्वारा जो बताएगा, तो उसी के जो है मारपीट हुई। सर, एल्विश यादव की गिरफ्तारी को लेकर आदेश कर दिए गए हैं, मुकदमा दर्ज होने के बाद से अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार हम होगी। इससे पहले बिग बॉस ओटीटी विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव का शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हो गया। कथित मारपीट का यह वीडियो पूरे दिन ट्रेंड करता रहा। सागर ठाकुर नाम के यूट्यूबर ने एल्विश यादव और उसके साथियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए गुड़गांव के सेक्टर 53 में शिकायत दर्ज कराई थी। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एल्विश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी, और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन पर बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हो। अब मेरे को यही था भाई, जो भी गलतफहमी है डिबेट से सॉल्व करो, अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ मैं डिबेट करूँगा, तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज़ को। और मैंने पूरी तैयारी की थी, मैंने वहाँ पे सोफ़ा वोफा सब लगाया था कि जब एल्विश भाई आएंगे तो वहाँ बगल में बैठेंगे, ये वो फलान ठिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए, ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थे उसकी, इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फ़ोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पर रिकॉर्डेड है, और फ़ोन से मेरे स्पाइन पर मारा। और आप सभी को पता है, अगर स्पाइन पर गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। इस मामले में पुलिस ने एल्विश यादव को आरोपी बनाया है। वहीं इस घटना के तूल पकड़ने के बाद एल्विश यादव ने भी सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी, कुछ मैंने अपशब्द यूज करे इस चीज के बाद, उसके बाद थोड़ा हीट अप हो गया मोमेंट, मैंने कि एक काम करता हूँ मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे। इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना है। और मैंने एक भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डाली कि मैं मैक्सटन से मेरी बात हो रही है या फिर मैक्सटन के पास जा रहा हूँ, इसकी चैट वैट कुछ नहीं डाली, क्योंकि ये सब काम नहीं है मेरा कि मैं फ़ोन रिकॉर्ड करूँ, ये सारी चीज़ें ये मेरे मतलब की नहीं है, ये दूसरी चीज़ें हैं। इसने वहाँ पे पूरा सेटअप बैठाया, पूरा प्री प्लान्ड, कैमरा कहाँ छुपाना है, माइक लगा रखा अगले ने, आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा है, उसमें पता लगेगा इसके यहाँ पे माइक लगा हुआ है, जब लग रही है ना यहाँ पे धप 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 की आवाज़ आ रही है, उसमें पता लगेगा कि सारी चीज़ ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान्ड कि क्या होने वाला है, इसको कैसे हमें यूज़ करना है। और जो जो लोग इसमें शामिल है वो मुझे भी पता है। और एक चीज़ और वायरल हो रही है कि भाई ये तो अकेला था, तुम तो 9-10 जने थे, ये 4 जने थे भाई। बहरहाल पुलिस अभी तो गिरफ्तारी की बात नहीं कह रही, लेकिन इस मामले में जांच के बाद ही पुलिस गिरफ्तारी पर कोई फैसला ले सकती है।